दोस्तों अगर यदि आपके पास में सीएससी आईडी है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल्कुल भी सीएससी आईडी से जमा ना करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज बताने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिना किसी स्किप की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर यदि आप एक सीएससी वीएलई हैं। दोस्तों मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं यहां पर सीएससी के साथ साथ एमपी ऑनलाइन पोर्टल का भी इस्तेमाल करता हूं। कुछ महीना पहले सीएससी से इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा किया था लेकिन जब मैंने उसका कमीशन चार्ट देखा तो वहां पर मुझे कोई भी कमीशन ही नजर नहीं आया। फिर मैंने इसके लिए ये वाला वीडियो भी बनाया था, फिर मुझे समझ में आया कि यहां पर तो किसी भी प्रकार का कोई कमीशन मिल ही नहीं रहा। तो आज ये सेकंड वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर यदि आपके पास में सीएससी आईडी है और आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं सीएससी आईडी से इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करके, क्योंकि सीएससी आईडी में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कमीशन नहीं दिया जाता। वहीं बात करूं एमपी ऑनलाइन पोर्टल की तो वहां पर आपको प्रति बिल पर ₹4 का कमीशन दिया जाता है। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपसे मैं विनती करता हूं कि आप सीएससी से इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल्कुल भी ना जमा करें, आप एमपी ऑनलाइन से बिल जमा करें। पूरा प्रूफ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो चलते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर। तो जी सबसे पहले मैं आपको अपने सीएससी वॉलेट का पेमेंट बतला देता हूं। यहां पर देख सकते हैं ₹2,526, ठीक है, आप इसे नोट डाउन करके रख लीजिए। अब मैं सीएससी और एमपी ऑनलाइन इन दोनों का ही इस वीडियोस में कंपेयर करके बताऊंगा कि मैं सीएससी से क्यों इतना छुड़ता हूं बिजली बिल जमा करने में और मैं क्यों लोगों को मना करता हूं, खुद भी जमा नहीं करता हूं, लोगों को ही मना करता हूं सीएससी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो मैं यहां पर आप मेरा पेमेंट आप देख लीजिए। अब मैं यहां पर एक बिल जमा करता हूं, मैं इलेक्ट्रिसिटी में जाता हूं, बिल पेमेंट्स में जाता हूं। अब यहां पर आप देखिए बिल की सभी डिटेल्स आ गई है। जो मेरे पास में बिल है ₹1638 का, यहां पर देखिए ₹1638 का है। मैं आपके सामने एमपी ऑनलाइन पोर्टल भी लॉगिन कर लेता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल भी ना रहे। और यहां से भी सेम बिल को मैं ओपन करता हूं। यहां पर देखेंगे मेरा बिल है ₹1638 का और अगर यदि मैं इसे लेट जमा करता हूं तो ₹1658 का होगा, लेकिन इसकी लास्ट डेट 13 तारीख और आज है मंडे 12 सितंबर, यानी कि ₹1638 है इसकी फीस, ठीक है, मतलब जो मुझे पे करनी है। अब सीएससी की बात करते हैं तो देखिए 1638 तो बता रहा है, अब यहां पर कमीशन जो एक्स्ट्रा बता रहा है प्लस जीएसटी जमाने भर कर लेकर के 1658 बता रहा है। मैं यहां पर जितना कस्टमर से पैसा ऐड करना चाहता हूं एक्स्ट्रा, तो मैं यहां पर प्लस माइनस करूंगा तो ये चार्जेस इंक्लूड होकर आएगा, मैं कस्टमर से एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है। ये तो मैं एमपी ऑनलाइन से भी एक्स्ट्रा ले सकता हूं, मुझे इसमें कमीशन कहां मिल रहा है ये चीज आप बताइए। जैसे कि मैंने चलिए इसको जीरो कर दिया, ठीक है ना, जितना मैं यहां पर करता हूं जीरो, ₹1638 जमा करता हूं, मैंने भी यहां पे ₹1638 जमा किया। अब मैं अपना वॉलेट पिन डाल करके इसे पे करता हूं, फिर देखता हूं मुझे इसमें कमीशन कितना मिला और कटा कितना मेरे पोर्टल से। तो देखिए यहां पर ₹1638 यहां पर लिखा हुआ आ रहा है और मेरे वॉलेट से कम कटना चाहिए पैसा, तो समझो मुझे कमीशन मिला। तो यहां पर देखिए कोई कमीशन नहीं मिला, ₹1638 के ₹1638 मेरे वॉलेट से कटे। अब मैं आपको सीएससी वॉलेट भी दिखाता हूं। यहां पर मैं जाता हूं अपने सीएससी वॉलेट लेजर पेमेंट में, ये देखिए फ्रेंड्स ₹1638 ही मेरे काटे गए। अब मैं आपको एक दूसरा बिल जमा करके दिखाता हूं एमपी ऑनलाइन से और यहां पर आप देखेंगे मुझे कमीशन कितना मिला। यहां पर तो मुझे कोई भी कमीशन नहीं मिला, ठीक है, देखिए यहां पूरा का पूरा मेरा पैसा काटा गया, कोई कमीशन मुझे नहीं मिला। कस्टमर इतना बेवकूफ तो नहीं है कि ₹20 एक बिल पे जमा करने पर दे। और जबलपुर में क्या है फ्रेंड्स, अब बिल नहीं देते, रीडिंग करते हैं, कस्टमर के मोबाइल में जो भी बिल अमाउंट है वो मैसेज के थ्रू जाता है। तो कस्टमर मेरे पास में मैसेज दिखा करके आता है कि इतने का पेमेंट आया है, इतना मुझे जमा करना है। मैं लेता हूं पर बिल पर एक्स्ट्रा जमा करने का चार्जेस, ज्यादा का अमाउंट होता है तो 10 लेता हूं, कम का अमाउंट होता है तो ₹5 एक्स्ट्रा लेता हूं, वो तो मेरी ऊपर की कमाई होती है। और मैं किसी किसी बिल में नहीं भी लेता हूं और मैं फ्री बिल जमा करता हूं। अगर यदि मैं सीएससी से फ्री बिल जमा करूंगा तो मुझे तो यहां कोई कमीशन मिल नहीं रहा है। अब मैं आपको जमा करके दिखाता हूं एमपी ऑनलाइन से। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर मैंने अपना एमपी ऑनलाइन पोर्टल लॉगिन कर लिया और देखिए मैंने अभी सीएससी से कितने का बिल पे किया था, सीएससी से 1638 का और मुझे 0% कमीशन आया। और अब मैं एमपी ऑनलाइन से आप देखेंगे फ्रेंड्स, एमपी ऑनलाइन से मैं बहुत कम का बिल जमा करूंगा, चाहे वो ₹15 हो, ₹20 हो, ₹5 हो, कितना भी अमाउंट हो मैं उससे पे करता हूं तो मुझे कमीशन कैशबैक मिलता है, उसके बारे में बताता हूं। देखिए मैंने एमपी ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया, विद्युत बिल में गया और मैंने अपना यहां पर IBRS दर्ज कर दिया, गेट बिल डिटेल्स में क्लिक किया। यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स मात्र ₹93 का मैं यहां पर बिल जमा कर रहा हूं। अगर बिल की डेट निकल जाती तो ₹98 लगेगी विद पेनाल्टी, लेकिन मुझे यहां पर अभी डेट है, आज 12 तारीख है और 12 के पहले पहले मैं जमा करूंगा तो ₹93 यहां पर मेरे वॉलेट से कटेंगे। यहां देखिए मैं ₹93 बिल जमा करता हूं, यहां पर देखिए पेमेंट भी बता रहा है मेरे वॉलेट से ₹93 ही काटे जा रहे हैं। मैंने जमा किया बिल, ये देखिए फ्रेंड्स यहां पर मेरा बिल जमा हो गया। और अब मैं आपको इसका कमीशन बताता हूं कि इसका कमीशन आता कहां है। मेरे वॉलेट से तो ₹93 कट गए हैं एमपी ऑनलाइन से। अब मैं चलता हूं आपको अपने कमीशन दिखाता हूं कि ₹93 का जो बिल मैंने जमा किया है इसका कमीशन कहां आएगा। मैं यहां पर जाता हूं मेरे ट्रांजैक्शन में, मैंने 12 सितंबर से 13 सितंबर तक का
डेट सर्च किया। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरे एमपी ऑनलाइन वॉलेट से 93 रुपीज कट हुए और ये कैश बैक मुझे आ चुके हैं 4 रुपीज कमीशन। यानी कि मैं अगर यहाँ पर फ्री में भी बिल जमा करता हूँ तो पर बिल पे मुझे 4 रुपए का कमीशन मिलेगा। और सीएससी की बात करूँ तो आप यहाँ पर 70,000-1,00,000 रुपए का भी बिल जमा क्यों ना कर लें, आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। आप जो भी बिल जमा करते हैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा मार्जिन नीचे अप और डाउन करते हैं वही आपको कमीशन के तौर पर दिया जाता है और वही कमीशन आप कस्टमर से एक्स्ट्रा लेते हैं। यानी कि आपको कैश बैक में कोई कमीशन पीछे से नहीं मिलता है। अब मैं मजबूरी में यहाँ से बिल जमा करना पड़ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे सीएससी वॉलेट में पैसा रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मुझे ये वॉलेट खाली करना है, सिर्फ मेंटेनेंस 150-200 रुपीज एक्स्ट्रा रखना है, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ से बिल जमा करना पड़ रहा है। इसी बहाने में आप लोगों के लिए यूट्यूब वीडियो भी बन जाता है, जिससे कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि सही क्या है, गलत क्या है और आप लोगों को सीएससी का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप एमपी के हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एमपी ऑनलाइन पोर्टल का ही इस्तेमाल करें बिल जमा करने में, क्योंकि एमपी ऑनलाइन कमीशन देता है, सीएससी कमीशन नहीं देता। मैं यहाँ पर आपके सामने एक और बिल सीएससी से जमा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, मेरा जो बिल है वो शो हो रहा है अभी 225 रुपीज का, जो कि एमपी ऑनलाइन में भी 225 रुपीज का ही शो हो रहा है। यह मैं यहाँ पर एमपी ऑनलाइन में भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे 225 रुपीज का मेरा बिल है, सीएससी में देखेंगे 225 रुपीज का बिल है। अभी यहाँ पर 10 रुपए बोल रहा है कस्टमर से आप अलग से लीजिए, वही आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। सीएससी बोल रहा है कि भाई मैं आपको अलग से पैसा नहीं दे सकता, आप अलग से कस्टमर से लीजिए। अब कस्टमर से आप जितना पैसा लेना चाहते हैं उतना स्क्रॉल करके यहाँ पर उतना अमाउंट दर्ज कर दीजिए और वो हम आपको फाइनल अमाउंट में जोड़कर दे देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, पिछले बिल में मैंने यहाँ पर 0 किया था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 10 रुपए कर देता हूँ और यहाँ पर सीएससी वॉलेट पिन नंबर डालता हूँ और इसे पे करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरे वॉलेट से तो इसने 225 रुपीज ही काटा है और यहाँ पर देखिए कमीशन मुझे 11 रुपए का दे रहा है एक्स्ट्रा, जो कि मैंने वहाँ पर ऐड किया था। तो ये मुझे सीएससी नहीं दे रहा, सीएससी मैंने यहाँ पर देखिए 10 रुपए ऐड किया था प्लस उसने जीएसटी जोड़ करके यहाँ पर 11 रुपए 80 पैसे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि आप कस्टमर से 11 रुपए 80 पैसे एक्स्ट्रा लीजिए। कौन बेवकूफ कस्टमर होगा कि मोबाइल पर उसके 225 रुपए है और वह हमको 11 रुपए 80 पैसे देगा। नजदीक में ही ऑफिस है, वो ऑफिस में जा करके पता कर लेते हैं कि सर इतने का पेमेंट है और शॉपकीपर हमसे इतना ले रहा है, ये बोल करके कि इतने का बिल है। तो यहाँ पर इंक्वायरी बैठ जाती है जरा। इस प्रकार से सीएससी यहाँ पर बेवकूफ बना रहा है वीएलई को, कोई कमीशन नहीं दे रहा है। और वहीं पर मैंने आपको एमपी ऑनलाइन का बताया था, अगर यदि मैं इससे इतना ही जमा करता हूँ ना तो ये इतना ही वॉलेट से काटता है प्लस 4 रुपए एक्स्ट्रा आपको वॉलेट में कैशबैक दे देता है। यहाँ पर देखिए ये टोटल अमाउंट में कितना बता रहा है, 236 रुपए, जबकि मेरा बिल था 225 का और एक्स्ट्रा कमीशन इसने इतना जोड़ दिया और टोटल बोल रहा है कि आप कस्टमर से 236 रुपए लो। वाह भाई वाह, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हुई। यार मैं जितने भी वीएलई है मैं सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि मेरे भाई बहनों आप लोग सीएससी का इस्तेमाल बिजली बिल जमा करने के लिए बिल्कुल भी ना करें, आप लोग कृपया एमपी ऑनलाइन का इस्तेमाल करें। और इसके लिए मैंने पिछली भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ ऐसे बेवकूफ हैं जो कि इस चीज को समझते नहीं और वो ये इसको कमीशन समझ रहे थे। बोलो एक नंबर के बेवकूफ लोग इसको कमीशन समझ रहे थे और कमेंट में मुझसे बोल रहे थे भाई तुझे जमा करते नहीं आता है, सीएससी तो 28-28 रुपए कमीशन देता है। अरे बेवकूफ हो, कमीशन सीएससी नहीं दे रहा है, वो सीएससी बोल रहा है कि कमीशन कस्टमर से एक्स्ट्रा लो। वो तो आप एमपी ऑनलाइन में भी ले सकते हो एक्स्ट्रा, लेकिन आपको जो कैश बैक मिल रहा है एमपी ऑनलाइन में 4 रुपए वो तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, यहाँ पर तो कैश बैक कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे अंधभक्त कृपया कमेंट बिल्कुल भी ना करें, पहले वीडियो को देखें, सोचें, समझें, उसके बाद में ही बात करें। और सीएससी की सबसे बड़ी एक और जो बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी गलती है, वो यह है कि अगर यदि किसी कारण से भी आपने जो भी बिल जमा किया उसका प्रिंट आउट नहीं ले पाते हैं, जैसे कि आपको वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने उसका प्रिंट आउट सेव नहीं कर पाया, तो मैं यहाँ पर लेजर पेमेंट में जाता हूँ। यहाँ पर जो पेमेंट कटी हुई यहाँ पर बस देखिए बस इतना ही हिस्सा शो करेगा, बाकी मैं इसका कभी डुप्लीकेट रिसिप्ट नहीं निकाल सकता। और अगर वही मैं एमपी ऑनलाइन की बात करता हूँ तो यहाँ पर एमपी ऑनलाइन में मैं क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो भी बिल जमा किया हूँ मैं यहाँ से उसकी डुप्लीकेट रिसिप्ट निकाल सकता हूँ। एमपी ऑनलाइन में कैसे निकालते हैं डुप्लीकेट रिसिप्ट, आपको आपके होम में जाना है, विद्युत बिल में जाना है। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, क्लिक हियर टू डुप्लीकेट रिसिप्ट, इस पर आपको क्लिक करना है और जिस बिल का आप प्रिंट आउट नहीं ले पाए थे आपको यहाँ पर IVRS दर्ज करना है और व्यू डुप्लीकेट रिसिप्ट पर क्लिक करके आप दोबारा से जमा किए हुए बिल का रसीद प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर मैं बात करूं सीएससी की तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं निकालना भूल गया इसके जमा किए हुए बिल की रिसिप्ट। अब कस्टमर अगर मुझसे मांगता है तो मैं उसे कहां से दूंगा, और अभी मेरे सीएससी वॉलेट में मात्र 661 रुपए पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप इससे धोखा मत खाइएगा कि ये कमीशन मिला है मुझे। ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो फालतू के कमेंट्स करते हैं वीडियो में, भाई ऊपर तो देख तेरे 661 रुपए कैश बैक मिले हैं या फिर 661 रुपए तेरे वॉलेट से कटा है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे करेंट बैलेंस डला हुआ है सीएससी में, अभी इतना मेरे पास में बचा हुआ है। अब मुझे बस इतना हिस्सा प्रिंट करके देना पड़ेगा कस्टमर को। ये चीज सीएससी की सबसे ज्यादा गंदी चीज है जो कि मुझे यहाँ पर लगती है। भाई सच बता रहा हूँ, सीएससी से बिल्कुल भी आप बिल जमा मत करो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस मिलने वाला है। और अगर यदि बिल जमा करते वक्त सर्वर डाउन हो गया, किसी प्रकार का एरर आ गया, तो वह पेमेंट आपके सीएससी वॉलेट से कट जाता है और रिफंड नहीं आता है। मेरे ऐसे कई सारे
सारे पेमेंट्स है जो रिफंड अभी तक नहीं आए हैं, और मैंने टिकट भी कई बार क्रिएट कर चुका है, तो मुझे सबसे बड़ा यहाँ पर भी इसका गंदा चीज लगता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर अगले वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं इस प्रकार की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।